again. So let's go. Time to record. Hello friends, welcome to my channel Tech Hunger. I'm Harshvardhan Singh. You are here for latest tech news and reviews. आज हम बात करेंगे BTCAIFX जो कि काफी न्यूज में है और इंडिया में इसका प्राइस, इसके ऑनर, इन्फोसिस से भी इसको रिलेट किया जा रहा है और काफी सारी न्यूज इसके खिलाफ चल रही है इसके रिलेटेड. इससे क्या ये नेचुरल, क्या ये सच में जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन वेबसाइट हो सकता है और क्या ये हमें वेल्थ जनरेट करके देगा? ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉकिंग के लिए, जो भी चीजें हैं सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे. और ये बात करेंगे क्या ये नया वेबसाइट है या पुराना वेबसाइट है, और जो इसके डीप फेक एक नाम का वीडियो जो चल रहा है इन्फोसिस के ऑनर के ने जो भी अपने उन्होंने रिव्यू दिया अपना कि ये सब चीजें अलग तरीके से चलाया जा रहा है, इन सब पे बात पूरी कवर की जाएंगी इस वीडियो में. और साथ ही साथ हम कवर कस्टमर सपोर्ट और वेबसाइट डिजाइन और यूजर वेरिफिकेशन के साथ साथ बहुत कुछ बातें इस वीडियो में करेंगे. सो हम वेबसाइट के डोमेन पर ही हैं. आप डोमेन नेम देख सकते हैं इसका, इसके नेम से बिल्कुल अलग है, crypto.cryptoengine.app. और ये इस तरह का पूरा इसका इंटरफेस दिखता है और हम फूटर पे देख सकते हैं इसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने एक वर्ड के तौर पर लिख रखा है. ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इन्होंने एंड आप एक एक करके सारी चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं. और यहाँ पर ये इन्होंने जो इनके हाइलाइट्स हैं वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट फ्री होगा, नो फीस, सिंपल और क्विक रजिस्ट्रेशन होगा और जो ये आपको एक तरह से एजुकेट भी करने के लिए कह रहे हैं. और सपोर्टेड कंट्रीज हैं, मोस्ट कंट्रीज एक्सपेक्ट USA. तो पता नहीं इनका क्या अलग है, इन्होंने अपने पूरे तरीके से एक लिस्ट वाइज इन्होंने अपना वो भी नहीं किया है. तो चलिए मैं सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या उन्होंने कुछ कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें इन्होंने हमें दिया है या नहीं. तो टर्म्स में देखते हैं, टर्म्स में तो यहाँ पर आप मेल देख सकते हैं इनका, info@cryptoengine.app नाम से इन्होंने अपना इधर पूरा एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, ओवरऑल जो एक क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट देती है उस तरह से इन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कर रखा है. और अब हम इनके प्राइवेसी में देख जाके देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रोफेशनलिज्म चेक हो जाता है उससे कि इन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें ठीक हैं या नहीं. कई कई वेबसाइट्स बस कॉपी पेस्ट भी कर देती हैं. सो ये चीज़ें चेक करना जरूरी होता है. और आप देख सकते हैं इनके अबाउट सेक्शन में कि इन एक पूरे कैसे इनका क्या विजन है, क्या करना है इनको, क्या कैसे करना है, जो भी है. अब मैं बात करता हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात की, वेबसाइट डिजाइन भी ठीक है और यूजर वेरिफिकेशन की बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि यूजर वेरिफिकेशन के लिए जब से ही हमने लॉगिन के लिए इन्होंने या फिर रजिस्टर के लिए किया तो इन्होंने एक रेड का सिग्नल आया, इसमें लिखा हुआ था कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आवर सिस्टम, जो कि एक तरह से टेक्निकल इशू को शो करता है. वेबसाइट का लेआउट भी ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि एक ऐसा एक क्रिप्टो वेबसाइट को इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और एंड मोस्टली क्रिप्टो वेबसाइट यही करती हैं कि रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट अदर वेबसाइट्स पे जो सस्पिशियस होता है, जो एक मतलब ऑथराइज नहीं होता, उस पे हमें रिडायरेक्ट कई सारी करती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं. फिजिकल एड्रेस हमें इसमें नहीं मिला और ये भी नहीं बताया कि कौन से कंट्रीज में इनका जो ट्रेडिंग या फिर हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्या हो सकता है, वो कैसे कर सकते हैं. और तो और कस्टमर रिव्यूज़ भी इनके खिलाफ हैं और हमें ये देखने को मिला कस्टमर रिव्यूज़ में कि वो इनके खिलाफ ही हैं और ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज़ भी दिए हैं. इन सभी पॉइंट्स को मैं अगर रखूं और बात करूं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्रिप्टो AI जो BTCAIFX है वो एक तरह का ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म नहीं है.
अपनी ऑडियंस को सलाह देते हैं कि वो एक खुद रिसर्च करें, कस्टमर रिव्यूज और पढ़ें, इस रिव्यू के बाद और भी रिव्यूज देखें और डिसाइड करें कि क्या वो इस्तेमाल वेबसाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी एनालिसिस BTCI AVAX के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू।